श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 3 दिसंबर दिन शनिवार एकादशी पड़ रही है। ये जो एकादशी है इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन अगर हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे लिए मौत के बाद वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी दिन आपने एक छोटा सा उपाय करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय है जो हम एकादशी के दिन करेंगे। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। मात्र अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर आपको ये कामना करनी है। जो भी आप मांगोगे वो भोलेनाथ आपको अवश्य देंगे। मात्र 3 दिन के अंदर आपको इस उपाय का असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, उपाय को अच्छे से समझिएगा और अवश्य एकादशी के दिन करिएगा, क्योंकि इस एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे सनातन धर्म में। वैसे भी सर्वश्रेष्ठ जो व्रत माना जाता है वो एकादशी का व्रत ही माना जाता है। तो इस दिन अवश्य इस छोटे से उपाय को अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अवश्य करिए। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उपाय अच्छे से समझिएगा ताकि आप भी इसका लाभ उठा पाएं। तो उपाय करने के लिए क्या करना है, आपने अपने हाथ में, जैसे ये आप देख रहे हैं आपके हाथ की हथेली है, राइट हैंड में आपने क्या लेना है, एक बेलपत्र। बेलपत्र अपने हाथ की हथेली में रख लीजिए। जो डंडी का भाग है वो आपकी बाजू की तरफ होना चाहिए और जो पत्ती का भाग है आपकी उंगलियों की तरफ। इस तरह से आपने एक बेलपत्री रख लेनी है। उसके बाद इसी के ऊपर आपने एक जल का पात्र, अपने घर से ही एक लोटा जल भरिए, जहां से आप पानी पीते हैं वहीं से जल भरिए और वो लोटा जो है उस बेलपत्री के ऊपर आपने रख लेना है। फिर जाना है आपने भोले बाबा के मंदिर में। सुबह के समय भी ये उपाय आप कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो जाना है भोले बाबा के मंदिर में। सबसे पहले तो जैसे आपने अपने हाथ की हथेली में पात्र रखा है बेलपत्री के ऊपर, वैसे ही आपने उसी तरह से वो जो जल है अपनी कामना के साथ और भगवान कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल जो है वो सबसे पहले आपने भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी कामना के साथ जो बेलपत्री है वो भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। जो भी आपकी कामना है, व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर, वो अवश्य भोलेनाथ से कहिएगा, विनती करिएगा। वो कामना आपकी जो है बहुत जल्दी शीघ्र पूरी होगी। अगर कोई आपके काम कारोबार रुका हुआ है तो इस उपाय के साथ मात्र 3 दिन के अंदर आपको उसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सरल सा उपाय है, एकादशी के दिन अवश्य इस उपाय को करिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।